नमस्कार दोस्तों, माँ का खजाना किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए खीर की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों, जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और सारे मेवे पड़े बड़े फ़ायदेमंद भी होती है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ माँ का खजाना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं चावल की खीर। दोस्तों मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी और देसी घी हमारा हो गया है। तो इसमें मैंने मखाना, काजू डाल के, बादाम, ये सब डाल के मैं इसको भूनूंगी। साथ ही में मैंने चावल डाल दिया है। मखाना जब हो जाएगा तब चावल डालिएगा, और इसके बाद चावल जब हो गया तो इसमें मैंने गरी डाला है, किशमिश डाल दिया है, और इसके बाद अच्छे से इसको सोटे कर लेना, खूब बढ़िया से भून लेना महक आने लगे। जब महक आने लगे तब इसमें हम चीनी का यूज़ करेंगे। चीनी आप स्वाद अनुसार अपना डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाला है, मेरी 1 कटोरी चावल था तो आधी कटोरी मैंने इसमें चीनी डाला है। अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें मैं आधी गिलास इसमें मैं पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि पानी चावल जो है बहुत सोखता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालना ज़रूरी है। तो मैंने आधी गिलास इसमें पानी डाल दिया, अच्छे से चला देंगे। और इसके बाद इसमें मलाई वाला दूध डालेंगे। आप मलाई नहीं निकालिएगा दूध, फिर वो मलाई वाला दूध दोस्तों एकदम खोआ की तरह लगता है। तो मैंने 2 गिलास इसमें मलाई वाला ही दूध डाला है। दोस्तों मैं खीर बनाती हूँ तो मैं मलाई कभी नहीं निकालती, तभी बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए अच्छे से चला देंगे। और इसके बाद हम इसमें इलायची हम डाल दें, 4-5 इलायची आप कूट के इसमें इलायची डाल दीजिए। इसके बाद ढक्कन से इसको ढक देंगे। आप खुला भी पका सकते हैं, लेकिन मैं सीटी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है ये, तो इसलिए मैंने सीटी लगा दी। 1 सीटी आएगी धीमा कर देंगे, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे कि चावल अच्छे से हमारा गल जाए। तो देखिए दोस्तों हमारी सीटी आ गई, दूध है तो थोड़ा सा बहने लगता है। गैस को आप धीमा कर दीजिए, 5 मिनट और हम इसको रखेंगे और उसके बाद गैस को हम कर देंगे ऑफ। दोस्तों ये देखिए खीर हमारी, ये मैंने निकाल ली है। मैंने खीर गाढ़ी बनाई है, अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसमें गाढ़ी बनाई कर सकते हैं। चूंकि पूजा के लिए मैंने बनाई है तो मुझे मेवे लाइए आप बहुत ही मैं करी थोड़ा सा बढ़िया बनी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ये पूरी मेवे से बनाने की चैनल को सब्सक्राइब, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मां का खजाना मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।